ब्रह्मा जी एक बार उनके मन में घमंड आ गया कि शायद मैं ही भगवान हूं, अरे मैंने सारी सृष्टि रचाई है, 33 करोड़ देवी देवता, ये देखो कितना कितना मैंने जो 84 लाख योनियों की रचना कर दी है, कैसे कैसे मैंने प्रकट किए हैं इनको, तो मैं ही तो भगवान हूं ना। तो ठाकुर जी कहते थे जा तेरा तो अभिमान, मैं तेरे को सिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भगवान का वो भी वो एक्चुअली गुण बता रहे हैं, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब ब्रह्मा जी नारद को भगवान ने मन में ही उनको इच्छा व्यक्त कर दी, जैसे कई बार हम अपने घर में बैठे हैं तो मन में इच्छा आ जाती, चलो भी आज वृंदावन चलते हैं, चलो अपनी पत्नी को बोलते चलो ऐसा करें अगले सप्ताह वृंदावन चलते हैं। अब ये इच्छा कहाँ से आई, ठाकुर जी हमारे मन में डालते हैं, ठाकुर जी बुलाते हैं तभी हम वृंदावन या अयोध्या या जगन्नाथपुरी तभी जा सकते हैं जब ठाकुर जी हमको बुलाते हैं। तो भगवान ठाकुर जी ने द्वारकाधीश जी ने ब्रह्मा जी के मन में बात डाली, आ जाओ बेटा मेरे को मिलने आओ। ब्रह्मा जी जाते हैं मिलने के लिए द्वारका में, द्वारका में जाते हैं तो ब्रह्मा जी गए, अभी चतुर्भुज हैं, चार मुख हैं, गेट कीपर के पास पहुंचते तो गेट कीपर तुरंत कहता है महाराज जी आप कौन है। ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आया, अरे कमालो, अरे सब दुनिया जानती है कि हम ब्रह्मा जी हैं, चार हमारे मुख हैं। तो खैर बोले जी अरे बहुत असभ्य हो गया तुम आदमी, तुम मेरे को ये पूछो हम कौन है, नहीं महाराज जी बताना तो पड़ेगा हमको, भगवान कृष्ण से द्वारकाधीश जी को जाके बताना पड़ता है, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा जाओ बताओ। ब्रह्मा जी आए हैं, गेट कीपर गया ठाकुर जी के पास, द्वारकाधीश जी के पास, प्रभु कोई व्यक्ति आया, बोलता है ब्रह्मा जी है वो आपसे मिलना चाहता है। तो ठाकुर जी जाओ उसको पूछो कि कौन सा ब्रह्मा है। गेट कीपर आता है द्वारपाल आके पूछता है महाराज द्वारकाधीश जी पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा हो आप। उसको और भी गुस्सा आ गया, अरे इसको दिखाई नहीं देता, अरे चार चार सर हैं, किसी के चार सिर है नहीं, मेरे ही चार सिर हैं और तक किसी के है ही नहीं, चारों दिशाओं को मैं देखता हूं। क्या जाके बोला प्रभु कोई ब्रह्मा जी बोलते चतुर उनके चार मुख हैं। अच्छा 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 भेद द्वंद, जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो वहां पर ठाकुर जी ने ऐसी रचना ऐसी लीला रची कि हॉल में जब देखा वहां पर एक और आदमी चलता आ रहा था, उसके ही इनके चार सिर थे, उसके आठ सिर थे। थोड़ा सा आगे जाता है एक और आदमी जा रहा है, उधर ही जा रहा है, जिधर ये जा रहे हैं भगवान को मिलने उधर वो भी जा रहा है, किसी के 8 सिर हैं, किसी के 10 सिर हैं, किसी के 100 सिर हैं, किसी के 1000 सिर हैं, अरे असंख्य सिर, इतने इतने सिर, अरे ये सब उसी की तरह दिखाई हुई ब्रह्मा जी की डुप्लीकेट कॉपी दिखाई दे रही है। अरे बड़ा हैरान हुआ। तो वहां पर ठाकुर जी अपने विराजमान है, रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के संघ तो जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं सब जाके, ब्रह्मा जी ने प्रणाम तो करना था, जाके देखते हैं प्रणाम कर रहे हैं, केवल ये ब्रह्मा नहीं सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। अब अजूबे की बात यह है कि सब ब्रह्मा के जितने भी लोग मिलने आए थे वो किसी और केवल इस ब्रह्मा को ही दिखाई दे रहे थे, इतने ब्रह्मा हैं, वो दूसरे असंख्य ब्रह्मा थे। और ये ब्रह्मा को ऐसे महसूस होने लग गया कि जैसे हाथियों के झुंड में एक चींटी घूम रही है। तो अब आए तो भगवान जी पूछते हैं सब ब्रह्माओं को, और हर एक ब्रह्मा को यही दिखाई दे रहा है कि केवल वो ही है, और सब ब्रह्मा को पूछे कैसे हो आप, ठीक हो, आपकी सृष्टि वगैरह ठीक चल रही है। तो सब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, असुरों का आतंक नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे ठीक है प्रभु आपकी कृपा से चल रहा है। तो सब अच्छा ठीक है अपने अपने लोक में जाओ, सब लोग अपने अपने लोक में चले गए। तो हमारा ब्रह्मा जी जो है जिनके चार सिर हैं और चार सिर वाले हमारे ब्रह्मा जी ने जब ऐसे करके देखा तो तुरंत अरे बाप रे प्रभु ये कौन है, मेरे को तो ये ब्रह्मा जी है ये भी, हाँ अरे प्रभु ऐसा चंबा कैसे। तो बोले अरे चतुर्मुख ब्रह्मा ये जो तुम्हारा ब्रह्मांड है ना ये तुम्हारा छोटा सा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड तुम्हारा ही है, तुम्हारे से बड़े बड़े ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांडों में बैठे हुए हैं,
और वैसा एक दो ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है इस महातत्व के अंदर। और इस असंख्य ब्रह्मांड को ही हमारे ठाकुर जी गीता में कहते हैं, माया दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हीन नानकंते जगत भी परिवर्तित। ये जो सारा संसार है मैं दक्षिणा मेरी शक्ति के अंदर चल रहा है, दैवी है शक गुण मई मम माया दुर्त्या मामे भी प्रतंते माया में तांत्रंती दे। इस माया को कोई पार नहीं पा सकता, केवल एक ही व्यक्ति इस माया से निकल सकता है। वो कौन निकल सकता है? ममे भी प्रबदंते, जो मेरी शरण में आ जाता है, केवल और केवल नारायण की कृष्ण की शरण में आ जाता है।